First of all, I'm going to revise the test which you have done yesterday. In test, you are given these questions. For example, what are elections? Process by which people elect their representatives is called election. Ek aur tha ke after how many years in India general elections are held? In India, general elections are held after every 5 years. Fir tha, why do we need elections? We need elections because elections make the representatives accountable. Elections do not allow government to misuse its powers, because if elections are not held, government can become dictatorial at any time and can misuse its powers. So election give choice to the voters. Election force candidates to do their work in a best way. So because candidates, they have to face people in the next elections. That's why they always try to do their best work. So election is the main feature of democracy. So without election, country would not remain democratic. It would weaken the basic foundation of democracy. Ek to hi. Fir ek question tha, what makes elections democratic? तो आपने कहना इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन डेमोक्रेटिक वे. फर्स्ट इज आप ये बताओगे कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड एंड यो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू सिस्टम शुड बी फॉलोड. वैल्यू वोट ऑफ ईच वोटर इज शुड बी सेम. नो मनी एंड मसल पावर शुड बी यूज्ड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शंस. कैंडिडेट शुड नॉट डिमांड वोट्स इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. And political parties should not use sacred symbols during campaigning. So elections should be free and fair. तो ये सारी बातें elections को क्या बनाती हैं? Democratic. सबसे पहले तो वो tenure पे होने चाहिए. Must held after fixed tenure. अगर 5 साल का tenure है तो 5 साल के बाद election should be held. Is it clear? एक आपने किया हरियाणा असेंबली इलेक्शंस. अगर आपको हरियाणा असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड पूछा जाए तो यू नो इट वेल ना के चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ा आपने, पार्टी ऑफ चौधरी देवीलाल लोकदल. आप कौन से इयर्स के असेंबली इलेक्शंस कर रहे हो इस चैप्टर में? 1987. इट मीन्स अगर हम बैक 5 ईयर्स जाते हैं तो 1982 में इलेक्शन हुए. देन विच पार्टी वॉज रूलिंग? कांग्रेस. तो 1987 में जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो लोकदल वाज बिकमिंग पॉपुलर. लीडर ऑफ लोकदल वाज चौधरी देवीलाल. ही लॉन्च्ड मूवमेंट. कैन यू नेम द मूवमेंट? वेरी गुड. न्यायो. स्ट्रगल फॉर जस्टिस. स्ट्रगल फॉर जस्टिस. तो ये उसने एक मूवमेंट लॉन्च की थी. उसकी पार्टी का नाम क्या था? लोकदल. विच प्रोमिस वॉज मेड बाय चौधरी देवीलाल विद द पीपल बिफोर? हाँ जी. वेन ही इशूड हिज मैनिफेस्टो दैट ही वुड वेव द लोन्स ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन फार्मर्स वर्कर्स सबके लोन माफ कर देगा. अब कौन सी पार्टी? चौधरी देवीलाल ज्वाइंड हिज हैंड्स विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू कम इन पावर. अब चौधरी देवीलाल एंड हिज अलाइज गोट हाउ मेनी सीट्स? विद अलाइज 70 एंड आउट ऑफ 90, 76 out of 90. With the चौधरी देवी लाल की पार्टी लोकदल गोट वेरी गुड 60 सीट. अलाइज की कितनी? 60. कांग्रेस की कितनी? 5. बाकी अदर्स की. ठीक है, तो ये उनकी सीट थी. अब कौन सी पार्टी रूलिंग बन गई वहां पे? लोकदल. हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर? बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ना. And he was called by Dash to for oath ceremony. Governor, बहुत intelligent बच्चे हैं इस class के. He was called by governor for oath ceremony, and after taking an oath, he was declared the governor. Oh, sorry, chief minister of the state. Then he selected other ministers. अब आप बताओ, with the help of governor, governor oath दिलवाता ना. अब आप बताओ कि इस party ruled only for. चाहे उसने लोन माफ भी किए, आते उसने फर्स्ट वर्क यही किया.
बट हिज पार्टी रूल्ड ओनली फॉर 4 years. ऐसा क्यों? मीन्स फिर वोटर्स एग्जामिनर कौन है? वोटर्स. कुछ ना कुछ उन्हें कुछ वीक पॉइंट लगे होंगे, तो वोटर्स सिर्फ ये पार्टी सिर्फ 4 years ही रूल कर पाई. एंड आफ्टर, क्योंकि हमेशा हम कहेंगे पीपल ऑलवेज सॉ देयर पावर होल्डर्स क्रिटिकली, हमेशा उनको ऐसे ही देखते हैं. तब वहां पे भी ऐसे ही देखा होगा कि क्रिटिकली देखा, उनमें कोई ना कोई वीक पॉइंट्स ढूंढ लिए. तो दिस पार्टी रूल्ड ओनली फॉर 4 years. एंड अगेन विच पार्टी केम टू पावर? कांग्रेस. फिर वहां पे कौन पावर में आ गई? कांग्रेस. अब भी हमारे यहाँ पे भी तो ऐसे ही होता है कि अगर दैट पार्टी दैट इज रूलिंग, उसमें हम कोई ना कोई वीक पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं. ठीक है, क्यों ऐसे करते हैं? पीपल ऑलवेज सी देयर पावर होल्डर्स क्रिटिकली बिकॉज दे वांट टू मेक देम बेस्ट. कभी सेटिस्फाइड होते देखा लोगों को? गवर्नमेंट चाहे कितनी फैसिलिटीज दे दे, लोग फिर भी उसमें कोई ना कोई वीकनेसेस ढूंढते रहते हैं अपनी पार्टी में. और जब दूसरी पार्टी आती है फिर लोग कहते हैं अर्लियर जो पार्टी थी ना दैट वॉज बेस्ट. कभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं होते, हमेशा नोट करना, रियर चांस होंगे. तो एक इसमें हमने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज पता है ना? इज देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज? टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 543. कितनी जनरल है? 412. एससी की कितनी है? 84. आप एसटी की बता रहे हो. एंड एसटी की कितनी है? वेरी गुड. एसटी की कितनी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. ठीक है, अब मैं पूछूं कि ऐसा क्यों? क्यों रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर दी? क्यों? वेरी गुड. टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस. क्योंकि सो दैट दीज पीपल आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स. कि अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे, पावर में रहेंगे, इनकी कंडीशन भी इंप्रूव रहेगी, अपने लिए बेस्ट वर्क कर पाएंगे और अपने लिए बेस्ट पॉलिसीज. यस, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको इक्वालिटी दी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. एवरीवन हैज गिवन चांस टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया. तो आप इस वजह से अपना रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला टॉपिक कर सकते हो. फिर आप साथ में बता सकते हो इतनी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. अगर मैं अब आपसे पूछूं, जितने पहले टॉपिक किए ना, मैं पहले वो रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, अब आ गया वोटर्स लिस्ट. हु प्रिपेयर्ड वोटर्स लिस्ट? वेरी गुड, इलेक्शन कमीशन. इस वोटर्स लिस्ट को बिफोर इलेक्शन रिवाइज किया जाता है? हर बार करते हैं इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि टेन्योर ही कितने इयर्स है? तो एक ईयर वो पूरी तैयारी करते हैं ना, ईवीएम चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं. वोटर्स लिस्ट इज टू बी रिवाइज. तो वोटर्स लिस्ट जब रिवाइज होती है उसमें किसके नेम ऐड किए जाते हैं? न्यू वोटर्स एंड नेम्स ऑफ बोगस वोटर्स डिलीटेड. अब कोई कैंडिडेट शिफ्ट हो गया, दूसरी कंट्री चला गया, स्टेट छोड़ गया, कंट्री छोड़ गया, स्टेट छोड़ गया, तो ऐसे वोटर के नेम क्या होते हैं? क्योंकि उसकी वोट दूसरी जगह बन जाएगी तो उसके उनके नेम डिलीट. किसकी डेथ हो गई या उसकी वोट खत्म हो जाती है, तो ये सारा रिवाइज करते हैं वोटर्स लिस्ट को. नए वोटर्स ऐड हो जाते हैं उस लिस्ट में. ठीक है, तो ये वोटर्स लिस्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड. गवर्नमेंट आप कह सकते हो एम्प्लॉयज की ड्यूटीज लगती हैं टू प्रिपेयर दिस वोटर्स लिस्ट. एंड इट इज रिवाइज बाई इलेक्शन कमीशन बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन. अब और क्या काम करता है ये सारा? एक हिसाब से आप इलेक्शन कमीशन के फंक्शन कर रहे हो साइड बाई साइड. जब मैंने फंक्शंस करवाने हैं ना, तब मैंने कहना डू इट योरसेल्फ. अब आप अपने आप बताओ. एक तो ये फंक्शन हो गया कि वोटर्स लिस्ट इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन. डेट ऑफ इलेक्शन इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन. अब आप मुझे बताओ नॉमिनेशन पेपर की डेट, जो नॉमिनेशन पेपर जो कैंडिडेट फिल करते हैं, दैट डेट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय. अगर किसी ने फिल करने के बाद क्विट करना है, क्योंकि एक चांस तो दिया ही जाता है कि नहीं सेटिस्फाइड तो यू कैन क्विट, दैट डेट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन. आप एक मिनट, इसको मैं लाइव करवाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ. ये बच्चा, अब जो ऑनलाइन है बच्चे, हाउ कैन आई हेल्प यू? नो लिसन, आप सिर्फ सुनो. अब योर नेम इज आदित्य. आदित्य इज गोइंग टू, आदित्य इज सिलेक्टिंग बाय, सिलेक्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आपको सारे, ठीक है, इसके साथ मेंबर्स, तो आपकी पॉपुलर सपोर्ट है इसके साथ, आदित्य के साथ. ठीक है, आप इसके साथ हो. इधर ये सेंटर है इलेक्शन कमीशन का, जहां पे आदित्य ने आज डेट है नॉमिनेशन पेपर फिल करने. अब इसी को आप अपना ट्रांसलेट, अपना अपने वे से कैंडिडेट लेके लिखोगे. आदित्य आज इधर जाएगा अपना नॉमिनेशन पेपर फिल करने के लिए, जाओ वहां. और साथ में आप उठोगे नहीं, वैसे ही आपकी सपोर्ट है. इमेजिन आप इसके साथ हो सारे. हम रश नहीं डाल सकते, नहीं तो मैं करवा देती रश भी. तो आप साथ में उसके,
आपकी पॉपुलर सपोर्ट है, इसके साथ क्या होनी चाहिए? पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब ये किधर गया? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, वहां जाके इसने क्या फिलअप किया? एक नॉमिनेशन पेपर, एक एफिडेविट आपने इसे दिया, वो उठा लो उसकी कॉपी। ये एफिडेविट पेपर फिल कर रहा है, इसमें ये पूरा डिटेल लिख रहा है अपनी प्रॉपर्टी, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, बैंक बैलेंस, कितनी ज्वेलरी, सारा कुछ मेंशन कर रहा है। एंड इफ इज देयर इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग ऑन हिम, तो ये उसमें वो भी लिख रहा है इसके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ठीक है, ये सारा डिटेल दे रहा है। अब साथ में 10,000 सिक्योरिटी यू हैव टू डिपॉजिट, दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, आई थिंक 10,000 ही है। आपने सारा डिपॉजिट किया, ठीक, फिल हो गया नॉमिनेशन पेपर, रख लिया, दैट डेट इज डिक्लेयर्ड बाय, इसने उस डेट को अपना नॉमिनेशन पेपर फिल किया, वापस आ जाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब यहाँ पे आके रुको, यहाँ पे आके इसको लगा दो तीन दिन बाद कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंटेस्ट इलेक्शन, नहीं है मेरे बस की बात, मैं नहीं कर सकता इतना हार्डवर्क। दोबारा क्विट की डेट इज डिक्लेयर्ड बाय, वहां से क्विट करके आओ, आप साइन करो कि आप विदड्रॉ कर रहे हो, गिव बैक 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज वापस, कम बैक, क्विट कर दिया, क्या मिल गया वापस? 10,000 रुपीज वापस, बैठो, अब आप क्विट करके आराम से अपने घर में रहो, आप यू गॉट योर 10,000। बाई चांस आदित्य ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, ठीक, इसने क्विट नहीं किया था, किए, अब जीता भी नहीं, 10,000 जीरो हो गए, वो इसको वापस नहीं मिलेंगे। अब आपको पेपर में लिखना है, तो सारे आज मैं ऐसे ही कराऊंगी टॉपिक, इसको लिखना है, आपको लिखना है नॉमिनेशन पेपर वाला टॉपिक आ गया पेपर में, फर्स्ट लाइन तो यही बताओगे, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय डेट ऑफ नॉमिनेशन टू फिल द नॉमिनेशन पेपर इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर आप कहोगे पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट्स, देन कैंडिडेट्स हैज टू फिल नॉमिनेशन पेपर, कैंडिडेट मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिज। अब आप साथ जाओगे, इसके ढोल धमाकों के साथ जाते हैं कैंडिडेट, आपको पता है कितना शोर होता है। अब आप इसके साथ गए, गए तो इसने क्या फिल किया वहां पे? नॉमिनेशन पेपर, साथ आप हो, अब इसके साथ गए, अब वहां पे सारा मैंने बता दिया ना क्या क्या फिल करना है। कैंडिडेट हैज टू गिव डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कैश, बैंक बैलेंस जो भी है। कैंडिडेट हैज टू फिल एफिडेविट, उसे एक एफिडेविट साइन करना है जिसमें सारी उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल है, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग ऑन हिम, वो सब कुछ उस एफिडेविट में इसने फिल किया। अब ही हैज टू डिपॉजिट सिक्योरिटी, वैसे तो वो 10,000 है, बट अभी तो ही हैज टू, कैंडिडेट हैज टू सबमिट सिक्योरिटी दैट इज फिक्स बाय इलेक्शन कमीशन। इसने वो सिक्योरिटी भी वहां पे डिपॉजिट कर दी एंड देन वो वापस आ गया। आफ्टर दैट इफ कैंडिडेट फील दैट इट्स नॉट पॉसिबल, ये इनसिक्योर फील कर रहा है, नहीं मेरे से मेरे बस की बात नहीं है, देन ही कैन विदड्रॉ, ही कैन क्विट, एंड दैट डेट इज विदड्रॉल डेट इज आल्सो डिक्लेयर्ड बाय, तो उस डेट तक ही हैज टू क्विट, उस डेट तक ये क्विट कर सकता है, उससे अगले दिन ये फिर क्विट नहीं कर सकता, चाहे बुरी तरह से हार भी जाए, क्विट नहीं अब कर पाएगा, बिकॉज उसने तब तो किया नहीं जो डेट थी, तो उस डेट तक क्विट करना होता है, उससे उसके बाद नहीं, देन ही गोट, तब अगर ये क्विट करता बिफोर द डेट तो इसे अपनी सिक्योरिटी वापस मिलेगी। इज इट क्लियर? इतना आ गया। अब आ जाओ, ये आ गया नॉमिनेशन पेपर, अगर पेपर में लिखना आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट। अब एक मिनट, रेणुका स्टैंड अप एंड यू ऑल्सो स्टैंड अप, चलो ये की कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, ठीक, योर नेम नित्य, नित्य एंड रेणुका, लिसन केयरफुली, दोनों में से रेणुका इज, माइंड तो नहीं करोगे मैं अगर इलिटरेट बोलूं, रेणुका इज इलिटरेट, नित्य इज एजुकेटेड, फॉरेन से भी डिग्री लेके आया, बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, नित्य इज इंजीनियर, फॉरेन से डिग्री लेके आया है, एंड रेणुका एक सिंपल यहाँ पे रहने वाली इलिटरेट। अब आप मुझे ये बताओगे कि इज देयर इज क्वालिफिकेशन फिक्स फॉर द कैंडिडेट, नहीं। अब एक मिनट, नित्य को नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, वो तो अपना स्टडी में लगा रहा,
भी चला गया, पढ़ के आ गया, ठीक है। रेणुका आपके साथ थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितनी प्रॉब्लम्स आई रेणुका आपके साथ सपोर्ट में रही, आपकी हेल्प करती रही, ठीक है। शी हैज नॉलेज अबाउट, गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, डिजर्विंग, केपेबल है, ठीक है। तो आप बताओ आप किसको चांस दोगे? मेजर सपोर्ट जो है ना, मेजोरिटी सपोर्ट जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की, पार्टी हमेशा नोट करती है कि किस कैंडिडेट के साथ सपोर्ट भी है। अब सपोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रेणुका के साथ, आप किसको सिलेक्ट करोगे? पार्टी किसको चांस देगी? रेणुका, रेणुका को, ठीक। तो अब रेणुका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, ठीक। अब एक मिनट, अब रेणुका को हम कहेंगे कि पढ़ी लिखी नहीं है, बट ये तो बहुत टफ कंपटीशन फेस किया, नित्या से ज्यादा टफ कंपटीशन रेणुका ने फेस किया। क्यों? नित्या ने तो एक स्टडी की, अपनी डिग्री ली, इसके एग्जामिनर लिमिटेड थे, ठीक। रेणुका के तो एग्जामिनर लैक्स ऑफ वोटर्स हैं जो रेणुका को पावर में लेके आए, तब जाके ये कैंडिडेट बनी। इतना टफ कॉम्पिटिशन फेस किया तब जाके ये कैंडिडेट बनी, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर गवर्नमेंट ये डिजर्विंग थी, केपेबल थी, सारी नॉलेज है पॉलिटिक्स की, अगर गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन रख देती कि देयर शुड बी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नित्या हैज नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, एजुकेटेड है, तो क्या गवर्नमेंट ऐसे कैंडिडेट के, रेणुका जैसे कैंडिडेट्स के राइट को वायलेट नहीं कर रही थी? फिर कर रही थी ना, कि शी इज डिजर्विंग, केपेबल, और वैसे भी इसके पास पॉपुलर सपोर्ट है लोगों की, तो ऐसे कैंडिडेट के राइट वायलेट नहीं हो रहे? बताओ ऐसे कितने ही फिर कैंडिडेट है। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो हमारी कंट्री में इलिटरेट होना मतलब, इलिटरेट अगर वो हैं बट दे हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, तो ऐसे लोगों के फिर राइट वायलेट होने? तभी गवर्नमेंट ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी, गवर्नमेंट ने कहा कि पर्सन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, केपेबल, डिजर्विंग, वो बंदा डिजर्विंग होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, एंड उसके पास पॉपुलर सपोर्ट भी होनी चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो वो तो सारा रेणुका के साथ था। अब इसी को आप थोड़ा सा साथ में ये भी तो बताओगे कि कैंडिडेट हैज गिवन अ टफ, आप कहोगे हैज फेस्ड अ टफ कॉम्पिटिशन बिकॉज ही इज एग्जामिन्ड बाय लैक्स ऑफ वोटर्स, उसको तो इतने वोटर्स ने एग्जामिन किया, तो इतना पहले से ऑलरेडी इतना टफ कंपटीशन फेस करके पावर में आया, यस पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द वोटर्स, तब भी कुछ बात होएगी तो वोटर्स पावर में लाए, लाखों वोटर पावर में लिया इसे, इट मींस इसमें कुछ बात होएगी, तब भी लाए ना वोटर्स इसे पावर में, तो वो बुरी तरह से हार ही गया क्योंकि उसके पास सपोर्ट ही नहीं थी। नो डाउट एक्सपीरियंस था, एजुकेटेड था, बस पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं थी। वो भी बताऊंगी कि नहीं है नॉलेज तब भी बन जाते हैं। अब ये बन गई, ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा मोल्ड करोगे, क्योंकि हम एजुकेशन को ऐसे तो कह नहीं सकते कि एजुकेशन चाहिए ही नहीं, फिर आप थोड़ा सा इसे चेंज करके बताओगे। इफ कैंडिडेट इज, बट इफ एंड में लिखोगे, बट इफ कैंडिडेट इज एजुकेटेड विद पॉलिटिकल नॉलेज दैट इज गुड, दे कैन डू मोर बेटर, वो और अच्छा काम कर सकते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स की नॉलेज के साथ साथ एजुकेटेड भी हो जाए That will be good. वो और अच्छी बात होगी, क्योंकि educated and knowledgeable candidates who are having proper knowledge about politics and candidate, if candidate is educated and he is having proper knowledge about politics, they can do wonders. वो और better कर सकते हैं, ठीक है। तो इस topic को कर सकते हो। पहले तो आपको अगर paper में आए is there is any educational qualification for the candidate, पहले तो बिल्कुल deny करना है, no, there is no educational qualification for the candidate. गवर्नमेंट हैज डन सो, साथ में अपना व्यू देना है, गवर्नमेंट हैज डन सो, ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया, गवर्नमेंट हैज डन सो बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वायलेट द राइट ऑफ द इलिटरेट पीपल, गवर्नमेंट उनके राइट को वायलेट नहीं, ऐसे तो कितने लोगों का राइट वायलेट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। फिर आपने कहना है कैंडिडेट हु इज हैविंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, डिजर्विंग, केपेबल एंड हैज support of the people of his constituency can contest election, has given chance. फिर आप कहोगे कि illiterate candidate who is selected by voters, जिसे voters ने select किया, he has faced a tough competition because
ही इज जज्ड बाय लैक्स ऑफ वोटर्स, इतने सारे वोटर्स ने उसे जज किया, वो तो ज्यादा टफ कठिन परीक्षा देके आया, वो तो इतने ज्यादा वोटर्स ने उसे वोट दिया, वही तो बात होगी ना, ठीक है ना। आप कहोगे वो तो ऑलरेडी इतना टफ कॉम्पिटिशन फेस करके कैंडिडेट बना, इतना टफ कॉम्पिटिशन, इज सिलेक्टेड बाय लैक्स ऑफ वोटर्स, इज जज्ड बाय लैक्स ऑफ वोटर्स, फिर आप साथ में एंड में थोड़ा सा मोल्ड करके इसे चेंज करोगे अपनी स्टेटमेंट को, आप कहोगे बट इफ कैंडिडेट इज एजुकेटेड एंड हैविंग पॉलिटिकल नॉलेज, गिवन चांस दे कैन डू वंडर्स, दे कैन डू मोर बेटर फॉर द कंट्री। तो इस वजह से आप इसको ऐसे कर दोगे, ठीक। अब मैं पूछूं आपसे, चलो एक बात बताती हूँ। मैंने कहा कि कैंडिडेट एजुकेटेड होना मायने नहीं रखता, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, रेणुका ही है, रेणुका को हमने कहा कि इलिटरेट है, ये बन गई कल को फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर। अब फर्टिलाइजर्स की तो नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बैक पे इसको तो नॉलेज नहीं अपने डिपार्टमेंट की, तो ये काम कैसे करेगी, मीन्स आप लोग हो इसके पीछे। अब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं हो, ये लाइन अब कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, अब आप सिविल सर्वेंट्स हो आप लोग, ये हाँ आईएएस। अब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में आपकी जॉब्स हैं, और आप फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट में ये टीम वर्क कर रही है, यू आर सो मच एजुकेटेड, हैविंग गुड सैलरीज एंड एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स्ड, आपका कोई टेन्योर नहीं है सबका। शी ये जो है ये कैंडिडेट है, इसका टेन्योर है 5 years, रेणुका सिर्फ 5 साल के लिए आई आपके पास। अब इससे तो नॉलेज नहीं है फर्टिलाइजर्स की, हेल्प कौन कर रहा है पीछे से, आप पावर कौन इंजॉय कर रहा है यहाँ से, रेणुका। आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप उसे डे टू डे फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन हर कि आपकी टीम को, आप इस डिपार्टमेंट को रॉन्ग पाथ पे लेके जाए या राइट, डिपेंड अपॉन हर विश, क्योंकि पावर तो इसके हाथ में है। अब ये सोच के बैठ जाए कि मेरे पास तो 5 ईयर का टेन्योर है और मैं करप्ट होके जितना बना सकती हूँ अपनी मनी बना लेती हूँ, ये इस बात को लेके चल पड़े, आप लोग ये काम नहीं करोगे, आप इसे गाइड करोगे, डिपेंड अपॉन हर विश, वो उसकी मर्जी है, वो तो वो ये सोच के बैठी हुई है कि मैं तो 5 साल के लिए आई हूँ, मैंने कौन सा दोबारा आना है, अगर मैं करप्शन करूंगी वोटर्स दोबारा नहीं लाएंगे, तो मैं 5 साल में जितना हो सकता है कर लेती हूँ, अगर ये ऐसा सोच के चले, ठीक है। कई बार कैंडिडेट्स को अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होती, देन सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे हेल्प द कैंडिडेट। अब इसके लिए आपको एक लाइफ चीज बताती हूँ, वो आपने एक मूवी देखी होगी नायक, उसमें नायक मूवी सुनो, उसमें आपने 3 करेक्टर्स मैं बोलूंगी, लिसन केयरफुली, 1 मिनट में ये बात समझ आ जानी है, लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल अमरीश पुरी चीफ मिनिस्टर होता है, देन अनिल कपूर चीफ मिनिस्टर बनता है, अमरीश पुरी के बाद थोड़ी देर उसको टाइम मिलता है अनिल कपूर को। अब अनिल कपूर को पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं होती बट वो एजुकेटेड होता है, अमरीश पुरी इलिटरेट होता है बट पॉलिटिक्स की नॉलेज होती है, चलो। बट पीछे से जो वर्क कर रहा होता है, दैट इज उन्होंने एक ही पर्सन दिखाया, परेश रावल, वो एक हिसाब से आप कह सकते हो सिविल सर्वेंट, वो प्रॉपर पहले अमरीश पुरी को गाइड कर रहा होता है कि इस वे से रूल करना है, ये डिसीजन लेना है, ऐसे वर्क करना है, लोगों के लिए ये बात डिक्लेयर करनी है, ये पॉलिसी बनानी है, वो प्रॉपर हेल्प कर रहा होता है। और पहले वो किसकी हेल्प कर रहा होता है, अमरीश पुरी, फिर वो अनिल कपूर की भी वही हेल्प कर रहा है। अनिल कपूर खुद उस मूवी में कहता है उसको कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं है पॉलिटिक्स की, लोग कहाँ मुझे पावर में लाएंगे, वो कहता है लाएंगे, तुम्हारे पास पॉपुलर सपोर्ट है, यू आर एजुकेटेड, तो आप तुम्हें पावर में लाएंगे, वो कहता है मुझे तो कुछ काम ही नहीं आता, वो कहता मैं जो हूँ हेल्प करने के लिए, वो सिविल सर्वेंट्स हेल्प करते हैं पीछे से। इट मीन्स रेणुका 5 साल के लिए आई चली गई, अब रेणुका के बाद ये भी तो कैंडिडेट हमने बनाया आदित्य, अब आदित्य बन गया फर्टिलाइजर मिनिस्टर, रेणुका की पार्टी गई, आदित्य आ गया, क्या ये सारी टीम चेंज होगी, नो, क्योंकि आप लोग अपनी एज ऑफ रिटायरमेंट तक यहाँ पे हो,
आपको कुछ लेना देना नहीं है आपका आगे कौन आ रहा है, कौन टॉप पार्टी वो आ रहा है, आपका कमांडर कौन आ रहा है, आप वैसे के वैसे रहोगे। आप किसके लिए फिर वर्क करोगे? आदित्य के लिए, पहले आप रेणुका के लिए कर रहे थे, अब आप किसके लिए वर्क करोगे? आदित्य। तो इस वे से पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, दे स्पेशली सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स और वही कैंडिडेट्स इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन द वोटर्स कि वो किसको पावर में लगते हैं। ठीक है, जो भी पावर में आया, इट मींस वो पर्सन ऑलरेडी एक टफ कंपटीशन फेस करके पावर में आया, ऐसे ही नहीं आ गया वो कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना इज नॉट इजी जॉब। यू हैव रेड इट, इट इज नॉट द वर्क ऑफ एवरी टॉम डिक एंड हैरी। याद आ गया, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज नॉट इजी जॉब, इट इज नॉट द वर्क ऑफ एवरी टॉम डिक एंड हैरी। हर एक के बस की बात नहीं है, जिसको नॉलेज है वही लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट इजी प्रोसेस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो पॉलिसीज, प्रोग्राम, ये सब कुछ। तो इट मींस नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इतना आ गया। अब अगर मैं इनमें से कोई भी टॉपिक आपको पूछूं, नॉमिनेशन पेपर, कैन यू राइट? वोटर्स लिस्ट, इज देयर इज एनी क्वालिफिकेशन फिक्स फॉर द कैंडिडेट? नो। बट अगर, एक मिनट, इसका पॉजिटिव आंसर कैसे दोगे? क्वालिफिकेशन नहीं है, मींस वो पर्सन क्या फेस करके आया, टफ कॉम्पिटिशन, उसको कितने एग्जामिनर्स ने उसको जज किया है, लैब्स, उसके लिए तो वोटर एग्जामिनर है ना, तो वो तो ऑलरेडी इतना टफ कॉम्पिटिशन फेस करके आया। फिर साथ में बताओ ना, इट इज टू कंटेस्ट इलेक्शन इज नॉट द वर्क ऑफ एवरी टॉम डिक एंड हैरी। फिर आप बताओ कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर नीडेड फॉर दिस। इट मींस पर्सन जिनके पास नॉलेज है पॉलिटिक्स की, डिजर्विंग है, कैपेबल है, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड दे मस्ट हैव पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर आप साथ में बताओगे, बट हियर आई एम ऑन द व्यू, अपने व्यू दे दो ना एंड में, कि इफ पर्सन इज, अगर वो साथ में एजुकेटेड है, हमने नित्य को कहा था कि इज एजुकेटेड, बाहर से डिग्री लेके आया, अगर साथ में नित्य में एक प्लस पॉइंट होता, नित्य सिर्फ अपनी स्टडी में लगा रहा, इसने बॉदर ही नहीं किया, क्या इसको एबीसी नहीं पता पॉलिटिक्स की, आदित्य एजुकेटेड भी है, डिजर्विंग भी है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नॉलेज, इसके साथ सपोर्ट भी है, एजुकेटेड भी है, पॉलिटिक्स की नॉलेज भी है, तो आप अपने आप बताओ, आदित्य कैन डू वंडर्स ना, रेणुका से भी बेस्ट वर्क कर सकता है ना, क्योंकि वो एजुकेटेड के साथ साथ क्या है, नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स भी है उसके पास, तो आदित्य कैन डू वंडर्स। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्या बनाया, एजुकेटेड प्लस नॉलेज अबाउट, इज हैविंग नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। नित्य को हमने बनाया कि बहुत इंटेलिजेंट है, डिग्रीज लेके आया, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी रहा है लंदन में, यहाँ आया तो नॉलेज तो है ही नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, एबीसी नहीं पता, तो ये क्या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा? नो, ही कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इट मीन्स इफ कैंडिडेट इज एजुकेटेड एंड हैविंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, ही और शी कैन डू वंडर्स। इट मीन्स तीनों में से आप मुझे बताओ कि हम पहले तो चलो हमने रेणुका को इसलिए चांस दिया कि वी कांट, अवर गवर्नमेंट इज नॉट ऑन द व्यू टू वायलेट द राइट ऑफ द पीपल, इलिटरेट, इलिटरेट के राइट को हमारी गवर्नमेंट वायलेट, बिकॉज इलिटरेट पीपल सम टाइम्स दे आर गुड इन पॉलिटिक्स होते हैं। आप कितने हमारे लीडर्स देखो, कई बार वो एजुकेटेड नहीं होते बट दे हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, दे रन देयर डिपार्टमेंट्स इन अ बेटर वे। तो एक तो हमने इसको कह दिया, ठीक, साथ में इसके पॉजिटिव बताओ कि कितने टफ कॉम्पिटिशन के साथ आई। फिर आप आदित्य का भी पॉजिटिव बताओ कि इफ इट इज वेरी, इफ इट इज गुड, इफ कैंडिडेट इज, दोनों तरफ से कहोगे हैविंग नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड, और साथ में